वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि डेव सी के अंदर हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कंडीशन को कैसे यूज करते हैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर। तो कंडीशन क्या है बेसिकली? बेसिकली हमारा कंडीशन ये है कि आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ के अंदर जो है वो हर जगह कंडीशन ही कंडीशन होती है। जैसे कि हम लोग कोई फेसबुक या याहू या जीमेल कोई से भी हम लोग लॉगिन का अकाउंट जब हम लॉगिन करते हैं तो हमसे वो कंडीशन ही पूछता है कि अगर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों सही होगा तो हम आगे मतलब जो है वो लॉगिन हो सकेंगे, अदरवाइज एक्सेस नहीं होता हमारे पास। तो वो उसके बैकएंड पे जो कोडिंग होती है वो क्या होती है, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर बेसिकली अब उसको उस लॉगिन पेज पे तो खैर नहीं जाएंगे, हम स्टार्ट के लिए थोड़ा सा हमेशा छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर देन हम आगे तक जाएंगे इसके अंदर। तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर एक कीवर्ड है हमारे पास, इसका सी लैंग्वेज का एक कीवर्ड है हमारे पास जो कि हम यहाँ पे इसको कंडीशन कहते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला इस तरह होता है कि यहाँ पे जाके हम लगाते हैं अपनी कंडीशन और देन हम आगे जाके यहाँ लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट। ठीक, जैसे कि स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू जितनी भी आपकी स्टेटमेंट हो वो, और देन हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं एल्स। ठीक, के थोड़ा सा इसको मैं सीक्वेंस में लेके आ जाता हूँ। ठीक, अब क्या यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है और ठीक उसके बाद स्टेटमेंट है और देन अब ये किस तरह परफॉर्म करती है हमारे पास। जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दी भाई इफ कंडीशन, अब कंडीशन क्या, हमने कुछ भी लगा दी कि भाई कोई किससे बड़ा हो कोई किसी से छोटा हो, जो हम लोग लास्ट टाइम पिछले लेसन में हमने पढ़ चुके ऑपरेटर्स। कोई अगर हमारी ये पहली वीडियो देख रहा है तो हमारे प्रीवियस लेसन में ऑपरेटर्स के बारे में जाके वो पढ़ सकता है और देन फिर वो वापसी अगर उसमें आएगा तो थोड़ी सी उसको मदद मिल जाएगी कि वो किस तरह से यूज कर इसका यूज करते हैं। ठीक, और जैसे अगर हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या होगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और देन जो भी मैंने यहाँ पे अपनी बात कही भी होगी, मतलब कि जो भी मैंने प्रिंट किया हुआ होगा या जो मैंने इसके अंदर काम किया हुआ होगा वो हो जाएगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या करेगा, वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक, वो कहाँ चली जाएगा, वो इस एल्स में चली जाएगा। एल्स में मूव होने के बाद यहाँ जो मैंने अपनी जो भी स्टेटमेंट दी हुई होगी हम यहाँ पे, तो वो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से यूज करते हैं, हमारे पास एक बेसिकली एक सेंटेंस था हमारे पास कंडीशन का, तो देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। किस तरह करते हैं, ये फर्स्ट करते हैं हम यहाँ पे जाके एक बनाते हैं हम एक वेरिएबल क्या के एज का। ठीक, तो कैप्स लॉक ऑन हुआ तो मैं कैप्स लॉक को क्लोज कर देता हूँ। इंटीजर एज, इस एज के अंदर मैंने रखवा दिया, एज रखवा दी मैंने 20। अब मुझे चेक करना है कि भाई अगर जो ये एज है अगर वो एज लेस देन 20 है तो वो चाइल्ड है, अदरवाइज यंग है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे रखवा दिया भाई एज। एज क्या है हमारे पास, जो ऊपर बना हुआ वेरिएबल, इट मीन कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया 20 रखवा दिया। अब मुझे इसको चेक करना है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, कभी भी एक चीज को दूसरे से चेक करना हो तो हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक, हम क्या करते हैं लेस देन इक्वल टू। ठीक, जब अभी फिलहाल मैं सिर्फ इसको लेस देन यूज करता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता यहाँ पे, सिर्फ सिंपल से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ एक लेस देन का मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे कर दिया मैंने 20। अब ये क्या यहाँ पे चेक कर रहा है, अब ये हो गई मेरी कंडीशन कि क्या कि अगर जो एज का ऊपर मैंने बनाया हुआ है वेरिएबल अगर वो छोटा है 20 से तो क्या प्रिंट हो जाए मेरे पास। यहाँ पे आके जाके हम क्या करते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे अभी प्रिंट एफ कर देता हूँ और इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ यू आर चाइल्ड। ठीक, मेरे पास अगेन कैप्स लॉक ऑन हो गया, मैं इसको वापसी क्लोज कर देता हूँ सेमीकोलन और यहाँ पे जाके इस प्रिंट एफ को मैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो ये केस सेंसिटिव है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सेंसिटिव तौर के ऊपर यूज करूंगा। ठीक, अच्छा इसके अंदर हार्ड कोड के अंदर मतलब इनवर्टेड कॉमास के अंदर अगर कैपिटल में टाइप भी हो जाए तो नो इश्यू, क्योंकि वो हार्ड कोड है जैसा हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कहा भाई अगर एज मतलब कि ये जो ऊपर एज है इसके अंदर 20 मौजूद है, अगर एज 20 से लेस देन है मतलब छोटी है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, मतलब कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आने के बाद प्रिंट एफ को वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा और क्या प्रिंट कर देगा कि भाई यू आर चाइल्ड, ये प्रिंट कर देगा। ठीक, और देन जो है वो हमारे पास क्या करेगा, एल्स में आ जाएगा अगर वो मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो। अब एल्स में आने के बाद वो क्या क्या मैसेज देगा हमारे पास, तो हम इसको क्यों लगाते हैं कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मुझे वो कुछ भी नहीं देगा, तो मैं मेरे को पता नहीं लगेगा कि मेरे प्रोग्राम में एरर है या मेरी कंडीशन में एरर है या किस चीज में एरर है मेरे पास। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एक मैसेज शो कर देते हैं यहाँ पे भी कि भाई प्रिंट एफ इनवर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे टाइप कर देते हैं भाई यू आर,
यहाँ कर देते हैं हम लोग क्या यंग कर देते हैं यहाँ पे जाके हम, ठीक। और देन यहाँ पे जाके हम लगाते हैं सेमी कोलन। अब अपने प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह इसका आउटपुट आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके इसको हम रन करते हैं और देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या आएगा हमारे पास। इसका हमें मिल रहा है यू आर यंग। अब यंग क्यों मिल रहा है, शायद आप लोग सोच रहे हो कि इसका हमें जो आउटपुट मिलना था वो चैड मिलना था, वो क्यों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाई हुई कंडीशन इक्वल टू 20 है इसके अंदर, और यहाँ पे हमने क्या लगा हुआ है लेस देन 20। वो क्या कर रहा है हमारे पास, वो चेक कर रहा है कि क्या एज 20 है, क्या 20 20 से छोटा है? नहीं, 20 20 के बराबर है, छोटा नहीं। तो इसने हमें क्या दे दिया, यंग दे दिया। क्यों? क्योंकि इसने चेक किया क्या 20 20 से छोटा है, नहीं तो वो कहाँ गया, नीचे आ गया, मतलब कि कंडीशन फॉल्स हो गई हमारे पास। हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको इक्वल कर दूं तो वो हमें क्या देगा, चाइल्ड दे देगा। क्योंकि एज मतलब एज के अंदर क्या 20 है ना इसके अंदर, इसका मतलब ये समझ लेंगे 20 ही है हमारे पास, ठीक। क्योंकि एज के अंदर हमने ऊपर 20 रखवाया हुआ है। अगर इस एज के अंदर लेस देन 20 है, नहीं लेकिन इक्वल टू है हमारे पास, मतलब कि ये दो चीजें चेक करेगा हमारे पास अब, ठीक। लेस देन और इक्वल टू, हमारे पास जो है वो एज लेस देन 20 है, नहीं लेकिन इक्वल टू 20 तो है हमारे पास। तो अब वो क्या करेगा, जो है चाइल्ड बन कर देगा। हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं इसको रन करके, तो देखें इसने क्या दे दिया हमें, यू आर चाइल्ड दे दिया हमारे पास, ठीक। तो ये थी हमारे पास सिंपल बेसिक की कंडीशन कि किस हम अपने सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड कंडीशन मतलब मल्टीपल टाइप की, अभी तो थी हमारे पास एक कंडीशन थी, अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप की कंडीशन हो तो उसको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे अपने सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।